नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है, ये मेरा 2021 का पहला वीडियो है। यस, इतने दिनों से मैं वीडियो जस्ट शूट करके रखी थी, बट एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, लेजी फील कर रही थी, मैं बहुत लेजी हो गई हूँ। तो ये 2021 का मेरा पहला वीडियो है और कोशिश करूँगी कि हर अल्टरनेटिव डेज पे मैं वीडियो जो हूँ अपलोड कर दूँ और रेगुलर हो जाऊँ जैसे मैं पहले रेगुलर थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। मेरे पास बहुत लिपस्टिक है गाइज, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक है। मैं बहुत बड़ी लिपस्टिक लवर हूँ, मतलब मेरे पास काइंड ऑफ मैं न्यूड लिपस्टिक्स मैं बहुत ज़्यादा वेयर नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है न्यूड लिपस्टिक। सबका अपना चॉइस होता है, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। थोड़े बहुत एक दो कलर है जो मुझे पसंद है, अदरवाइज मैं न्यूड लिपस्टिक की लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट और डार्क शेड्स वेयर करना पसंद करती हूँ। डार्क शेड भी नहीं मैं उतना वेयर करती हूँ, ब्राइट शेड्स बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, जो थोड़े से फेस पे पॉपअप हो, तो ऐसे लिपस्टिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा छोटा सा लिपस्टिक कलेक्शन वीडियो। पर्सनली मैं बहुत पसंद करती हूँ कलेक्शन वीडियो काइंड ऑफ देखना, तो आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। और आपको पसंद नहीं है अगर ऐसे वीडियो देखना, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आपको लंबे वीडियो और कलेक्शन वीडियोस पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो से स्किप कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों को मेरा लिपस्टिक जो कलेक्शन है वो दिखाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा जो लिपस्टिक है वो कुछ मैंने ऐसे रखा हुआ है। जी हाँ, ये सारे मेरे जो है ये लिपस्टिक है, जिसे अभी तो इतने ही हैं, बहुत सारे थे जिन्हें मैं मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स में से जिनको जो कलर पसंद आता है मैं उन्हें दे देती हूँ। तो अभी अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। मेरे पास लो रेंज से लेके हाई रेंज तक सारे लिपस्टिक्स हैं। मुझे कलर पसंद आना चाहिए, ब्रांड्स पे मैं नहीं जाती हूँ। तो फिर चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। मैं रैंडमली दिखा रही हूँ, मतलब लोअर प्राइस टू हायर प्राइस ऐसे नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज रात हो जाएगा अभी से दिखाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने इस लिपस्टिक को पिक किया है और ये है फ्रॉम द ब्रांड एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम की एक साथ मैंने चार या पांच लिपस्टिक्स परचेज किए थे लास्ट ईयर। लिंक्स स्वॉचेस के जो लिंक है वो आई बटन क्लिक करो आपको मिल जाएगा। जिस लिपस्टिक के स्वॉचेज और रिव्यू मैंने किए हैं वो आई बटन आप क्लिक करना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है एम्स्टरडैम का लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो है मेरा आइस फुलिश 3। और इसका जो स्वॉच है मैं जल्दी जल्दी करके आपको एक छोटा सा काइंड ऑफ स्वॉच दे दूंगी। ये मेरा फिनिश होने वाला बहुत ही प्यारा सा पीच शेड है, पीच है बट पिंक लग रहा है, बट ये पीच है, बहुत ही प्यारा सा पीच एंड काइंड ऑफ हल्का सा मोवी पिंक मिक्स जो होता है, बहुत ही अनकॉमन सा कलर है, लिप्स पे वेयर करने पे बहुत ही अच्छा लगता है, बट अभी तो पिंक ही लग रहा है। तो पहला लिपस्टिक ये है मेरा। देन सेकंड लिपस्टिक जो है वो है ये हुडा ब्यूटी की तरफ से उनका ये लिपस्टिक, और ये काइंड ऑफ ब्राउन, न्यूड ब्राउन नहीं, न्यूड भी कर सकते हो आप इसको एक बार अगर आप अप्लाई करते हो तो, और अदरवाइज ये बहुत ही बोल्ड शेड है, ब्राउन है ये, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा, हाँ हाँ बहुत ही प्यारा सा ब्राउन है। तो ये है मेरा हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक और इसका जो शेड है वो मुझे पता नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। देन उसके बाद से है ये एक लिपस्टिक और ये है स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, आप देख सकते हो, और ये है बुलेट फॉर्म में और बहुत ही प्यारा सा मरून बट रेड शेड है। एंड इसका जो स्वॉच है, मैं स्वॉचेस करने में बहुत बुरी हूँ गाइज, तो प्लीज़। तो ये है उसका स्वॉच, बहुत ही प्यारा सा वाइन रेड काइंड ऑफ शेड है, मुझे पसंद है ये। देन उसके बाद से अगेन ये हुडा का लिपस्टिक है, ये भी बहुत प्यारा सा पीची शेड है, मैंने इसे बहुत वेयर किया है एंड इसकी फ्रेग्रेंस ओ माय गॉड, चॉकलेट काइंड ऑफ है। तो ये है अगेन एक पीच शेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे पीच शेड है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला तो 1.5 साल हो गया, आप यहाँ देखो ये कलर अभी ये पिक कर रहा है कैमरा, देख सकते हो आप, काइंड ऑफ ऑरेंज एंड पीच मिक्स है, बहुत ही प्यारा सा शेड है, यस बहुत ही प्यारा सा शेड है। तो ये मेरा नेक्स्ट लिपस्टिक। देन उसके बाद से है ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक और ये है बुलेट फॉर्म में एंड ऑरेंज। मैं स्वॉचेज़ में बहुत बुरी हूँ गाइज, तो मुझे जहाँ समझ में आ रहा है मैं वहाँ पे स्वॉच कर दे रही हूँ काइंड ऑफ।
तो ये है ब्लू हेवन का ऑरेंज लिपस्टिक और ये है शेड नंबर है ये। तो ये जो मेरा शेड है वो है MO162 एंड शेड नेम है ऑरेंज वंडर और ये है ब्लू हेवन का लिपस्टिक जो कि एक टाइम में मैं इसे बहुत वेयर करती थी बट फिलहाल एक साल से मैं इसे नहीं वेयर कर रही हूँ। ऑरेंज लिपस्टिक एक मतलब मेरा क्या होता है ना यार, मेरा एक जोन चलता है, लाइक अभी मुझे पिंक पसंद है तो मैं सिर्फ पिंक अप्लाई करूंगी लिप्स पे और अगर रेड पसंद है तो सिर्फ रेड्स, ऑरेंज पसंद है तो सिर्फ ऑरेंजेस, तो वही है। तो ये मैं अभी इसे वेयर नहीं करती हूँ, देखती हूँ मैं इसका क्या करूंगी, बट हाँ मेरे पास है, कभी कभी अच्छा लगता है ऑरेंज शेड, लाइक समर्स आ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है स्प्रिंग एंड समर में ऑरेंज कलर। तो ये है ब्लू हेवन का लिपस्टिक, देन अगेन 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 हुडा अगेन हुडा और इसका जो शेड है मेरे पास गाइस बहुत ज़्यादा पिंक से मिलता जुलता शेड है, तो ये काइंड ऑफ रेड है, रेड एंड पिंक मिक्स है। तो अगेन ये एक शेड है मेरे पास, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है, मैंने इसे 3 बार ही वेयर किया बट मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जब भी मैं इसे वेयर करती हूँ। तो देन एक न्यूड शेड पे आते हैं, बहुत सारे डार्क शेड्स हो गए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरे कॉम्प्लेक्शन को लाइक ऐसे धपाक करके गिरा देता है, लाइक पता नहीं क्यों ये मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगता। मैंने स्वॉच किया था तो काफ़ी मुझे सही लगा था बट हाँ नहीं, तो ये देखो मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो आप इसका जो फ्रंट ये है वो देख सकते हो, तो ये इसे मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, डस्की टोन वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मैं फेयर टू मीडियम में आती हूँ स्टिल मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता, ये किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता, ये कलर ही ऐसा है। तो दिखने में अच्छा लगता है कि काइंड ऑफ बहुत ही सुंदर सा पीच पिंक कलर है बट ऐसा इसे अप्लाई करने पे ये बहुत ही बुरा लगता है दिखने में। तो ये एक है, उसके बाद से है अगेन ब्लू हेवन का है ये लिपस्टिक और ये बुलेट फॉर्म में है एंड स्वॉच में मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा सा काइंड ऑफ बेरी शेड है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा सा कलर है यार ये, मतलब देख लो आप, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा सा शेड है। तो ये भी अगेन ब्लू हेवन का है और इसका जो शेड है वो है 05, शेड नेम नहीं है, 05 नंबर है शेड नंबर। तो ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है, देन ये है एक लैक्मे का लिपस्टिक, इसे को गाइज मैं यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन मैं इसे हमेशा रखूँगी जब तक ये रह सकता है मेरे पास, क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला आप बोल सकते हो जब मैंने फर्स्ट टाइम लिपस्टिक लिया था काइंड ऑफ, ये बहुत पुराना लिपस्टिक है, लैक्मे के ये लिपस्टिक्स अब नहीं आते हैं, लाइक 2-3 साल पहले ही बंद हो चुके हैं, बट ये मेरा पहला लिपस्टिक था, तो क्लास 11th या 10th 11th में मैंने लिया था इसे 2012 और 13 में 13-14 ऐसा ही टाइम था जब मैंने इसे लिया था और मैंने बहुत अप्लाई किया है, प्यारा सा ऑरेंज शेड है बट मैं इसे नहीं वेयर करती हूँ क्योंकि ये ऑब्वियसली अब एक्सपायर हो चुका होगा, बट मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। यार ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है, ये लिप्स पे रहता ही नहीं था बट मैंने लिया था तो उस समय बहुत ज़्यादा ऑरेंज का क्रेज था तो बस मैंने ले लिया था, मुझे दिखा था, तो आप देख सकते हो क्रीमी बहुत जल्दी यार ये सी मतलब अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता था, मैं लिप्स पे लगाती थी और वो मेरे लिप्स के ऊपर में मिलता था। तो ये एक लिपस्टिक है जो कि है लैक्मे की तरफ से, देन उसके बाद से है ये बहुत ही प्रिटी सा न्यूड शेड है, मैं आज इसे देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है ये लिपस्टिक क्योंकि मैं इसे बाहर जाती थी तो बहुत वेयर करती थी, मेरे लिप्स पे ये काफ़ी अच्छा लगता था एंड ये NYB का लिपस्टिक है एंड स्वॉच स्वॉच ये देख लो आप, ये बहुत ही प्यारा सा मोव ब्राउन में ये कलर है और मेरे लिप्स पे ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक ये मेरा फेवरेट है न्यूड लिपस्टिक में और ये मैंने परचेज नहीं किया था, ये मेरी मासी बहुत सारा NYB का लाइक लिपस्टिक ली थी तो उन्होंने मुझे ये दिया था। तो इसका जो शेड नेम है वो है पेपी पर्सन वन NYB शेड नंबर 01, तो बहुत ही प्यारा सा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, अभी भी ये अवेलेबल है, पर्पल पे मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो ये भी बहुत प्यारा सा शेड था। देन उसके बाद से अगेन एक ऐसे रैंडम सा लिपस्टिक है, लाइक मुझे किसी ने दिया था याद नहीं है, मैंने इसे परचेज नहीं किया था, बुलेट फॉर्म में आता है एंड पैकेजिंग बहुत ही बुरा है इसका बट शेड अच्छा है, देख लो आप,
बहुत ही प्यारा सा शेड है, मतलब लगभग सब मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और सारे लिपस्टिक मेरे लिप्स पे बहुत अच्छा लगता है, लाइक अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है, लाइक मीडियम टू फेयर टू मीडियम, तो आप ये लिपस्टिक्स ले सकते हैं। अगेन एक बहुत ही बुरा लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, बट मैंने कभी इसे अप्लाई नहीं किया, एक बार ही स्वाचेस के टाइम पर अप्लाई किया था, एंड मतलब इतना बुरा लगता है ना मेरे फेस पर ये, कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं उसे लगाने के बाद मुझे फील होता है कि यार मैं इतनी बुरी दिखती हूँ, तो इसीलिए हाँ हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगेन है तो मैं आपको दिखा देती हूँ स्वॉचेस, आपको नज़र ही नहीं आएगा स्किन पे, लाइक काइंड ऑफ ये है, देख लो आप, ये देख लो, मतलब बहुत ही बुरा सा शेड है, एकदम स्किन कलर है, एकदम प्रॉपर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मुझे यहाँ चोट लग गया है। इसे लगाने के बाद ऐसा फील होता है कि आपके लिप्स पे आपको किसी ने घुसा वुसा मार दिया है, काइंड ऑफ ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप का लगता है दिखने में। देन उसके बाद से है मेरा फेवरेट ब्रांड पर्पल, पर्पल का लिपस्टिक आ गया मेरे हाथ में, तो ये है पर्पल का लिपस्टिक HD मैट लिक्विड लिपस्टिक्स, और इसकी पिगमेंटेशन गाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक स्वाइप, मतलब आप एक बार इसे स्वाइप करोगे ना, इतना सुंदर आपको कलर पिगमेंटेशन आपको मिलेगा ना, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं फ़ैन हो गई हूँ पर्पल के लिपस्टिक्स के। तो ये है मेरा, ये जो शेड है वो मैं शेड बता देती हूँ। पर्पल की लिपस्टिक्स जब भी मैं वेयर करती हूँ तो मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आपने कौन सा, लाइक मैंने अभी भी पर्पल की लिपस्टिक को वेयर किया हुआ है, बट फ्यूशिया पिंक है मिलेगा मुझे, तो मैं आपको बता दूंगी। और ये जो शेड है वो है मेरा, शेड नेम है माई फर्स्ट डेट 04, इसका जो ये है, और ये प्रॉपर ब्लड रेड बोल सकते हो आप, एकदम जो प्रॉपर रेड होता है ना, तो वो प्रॉपर रेड है, और वाओ आप देख सकते हो इसका पिगमेंटेशन प्रॉपर रेड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है कलर, ये तो फिनिश होने वाला है। मैंने इसे इतना वेयर किया है, इतना वेयर किया ना, मतलब पर्पल की लिपस्टिक्स जब से मेरे पास आया ना, तो मैं और कोई लिपस्टिक मतलब देख ही नहीं रही हूँ, मैं बस सिर्फ पर्पल की लिपस्टिक्स ही वेयर करती हूँ। देन